And welcome back to my channel. So I'm super excited for today's challenge and काफी ज़्यादा different होने वाला है. ऐसा कोई challenge मैंने किया नहीं है अभी तक specific वाला. So today I am doing 24 hours Maggie challenge. That is eating only Maggie for 24 hours. So legit 24 hours. And I'm excited. Let's see क्योंकि मैंने काफ़ी ज़्यादा सोच के रखा है कि नॉर्मल मैगी ही नहीं बनाऊंगी मैं पूरे दिन. बस मैगी ही नहीं खाऊंगी, प्लेन मैगी. उसको हम काफ़ी ज़्यादा रंग रूप अलग अलग देंगे उसको, सो दैट अच्छी लगे थोड़ी वो. अदरवाइज आई एम जस्ट गोना लाइक पागल हो जाऊंगी मैं नॉर्मल उबली हुई मैगी खाऊंगी दिन भर. तो सो या आई एम रियली एक्साइटेड फॉर दिस चैलेंज. मैंने ये जो भी मैं डिशेज आज बनाने जाऊंगी ना, मैंने कभी ऐसे बाहर तो खाई है कैफे वगैरह में, बट मैंने घर पे कभी नहीं बनाई. सो आई एम सुपर एक्साइटेड फॉर दैट एज वेल. सो या लेट्स सी हाउ दिस चैलेंज गोज. होपिंग कि अच्छा हो जाए. आई मीन आई डोंट नो. या सो या विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट इनटू द वीडियो. तो इट्स द ब्रेकफास्ट टाइम राइट नाउ. तो ब्रेकफास्ट में मैं आई थिंक नॉर्मल मसाला मैगी खाऊंगी और जस्ट द प्लेन मैगी जैसा मेरा दिमाग चलता है. एंड आफ्टरनून में एंड बाकी के टाइम हम थोड़ा एक्सपेरिमेंट कर लेंगे. चुपचाप जाके किचन में जाके नॉर्मल मसाला मैगी बनाते हैं और खाते हैं. लेट्स स्टार्ट द डे. सो या लेट्स गो. सो माय मैगी इज रेडी. ये एकदम नॉर्मल प्लेन मैगी है. इसके ऊपर मैंने चिली फ्लेक्स स्प्रिंकल कर दिया है. इट्स बीन अ वाइल हमने मैगी लाइक मैंने मैगी नहीं खाई है. पतंजलि आटा नूडल्स खाते हैं, दैट इज रियली नाइस. जिसका टेस्ट तो मैं भूल भी गई हूँ कैसी टेस्ट करती थी यार. अच्छी है क्या क्या. प्लेन मैगी नहीं अच्छी लगती यार मेरे को. बड़ा मेरे को बहुत कंटाल आ रहा था, सो मैंने इसके ऊपर सिर्फ चिली फ्लेक्स स्प्रिंकल कर दिया. एंड नॉर्मल मैगी से पक गए हो ना, जब ये बॉयल होती है थोड़ा सा पानी बच जाता है ना उसमें, उसमें डाल देने का रेड चिली सॉस. मस्त हो जाता है, टेस्टी टेस्ट. किचन मेरा ब्रेकफास्ट हो गया था, काफी ज्यादा फुल हो गई थी मैं उसके बाद. सो राइट नाउ इट्स द लंच टाइम. तो लंच के लिए वापस हम अपनी मैगी ही यूज करेंगे. एंड फॉर द लंच मैं सोच रही हूँ कि ना मैं मैगी पिज्जा बनाऊ. लाइक क्या मैंने ये कैफे वगैरह में खाया, बट मैंने पर्सनली घर पे कभी भी ये बना के ट्राई नहीं किया. सो आई एम सुपर एक्साइटेड. आई नो हाउ आई कैन मेक इट एग्जैक्टली. लाइक मैंने खाया तो मुझे समझ में आ जाता है ना, लाइक आई एम लाइक वेरी इन टू कुकिंग एंड ऑल ऑफ दैट. सो मैं वही जो भी चीज़ खाती रहती हूँ वही सोचती हूँ कि एग्जैक्टली कैसे बना होगा. सो या आई थिंक कि मुझे अटेम्प्ट करना चाहिए. लेट्स सी. मैंने कभी बनाया नहीं है घर पे, सो आई एम रियली वेरी एक्साइटेड एंड होप कि अच्छी टर्न आउट हो जाए, क्योंकि यार नहीं तो वेस्ट हो जाएगा खाना. सो या नाउ लेट्स गो एंड लेट्स मेक सम टेस्टी टेस्टी पिज्जा मैगी. चलो जाते हैं. मेरा मैगी पिज्जा रेडी है. दिस लुक्स रियली गुड. लाइक मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था इतना अच्छा दिख रहा है. तो मैं भी इसमें ऑरिगैनो डाल रही हूँ, थोड़ा सा स्प्रिंकल कर रही हूँ ऊपर से, बिकॉज पिज्जा और ऑरिगैनो दोनों एक डेडली कॉम्बिनेशन है. दिस लुक्स सो गुड यू गाइस. आई मीन प्यार हो देता. मैंने ये कट कर लिया. मैंने दिस इज हाउ
दिस पीस लुक्स लाइक। अब इसे सिर्फ पकड़ के खा सकते हो, अदरवाइज यू कैन जस्ट कट इट एंड हैव इट विद अ फोर्क लाइक दिस। आई एम गोना शो यू वे, ठीक है। आई थिंक सबका इतना स्टिफ ना बने ये मेरा। लेट्स ईट इट, टेस्ट करके देखते हैं कैसा हो रहा है। ये काफी अच्छा हो रहा, ट्रस्ट मी दिस टेस्ट गुड। अगर आप मैगी के बहुत बड़े फैन हो ना, आपको मैगी बहुत पसंद है, यू शुड डेफिनेटली ट्राई दिस आउट। मतलब मैंने कैफे में खाया था कुछ साल पहले, एक ऐसा पिज्जा लाइक द मैगी पिज्जा, एंड एग्जैक्टली उसके जैसा ही टेस्ट कर रहा है ये, इवन बेटर देन दैट। काफी अच्छा है, यू नीड टू ट्राई आउट दिस गाइस। मतलब मुझे ये ओकेश लग रहा है फॉर नाउ, टेस्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं है इसकी, जस्ट कि मेरे को मैगी इतना पसंद नहीं है। तो अगर आपको मैगी बहुत ज्यादा पसंद है लाइक क्रेजी, एंड पसंद भी है ना, तो भी यू नीड टू ट्राई इट आउट। मतलब आपको अच्छा लगेगा, ये अच्छा है, मुझे भी अच्छा लग रहा है। आई कैन फिनिश इट ऑफ, और ये एक पैकेट से एक जन के लिए अच्छा खासा बन जाता है यार। ये मैंने सिर्फ एक ही मैगी का पैकेट यूज किया था, 12 rupees वन। इट जस्ट टेस्ट रियली गुड लाइक अ लेजिट पिज्जा। तो मेरे फर्स्ट ट्राई के हिसाब से तो काफी अच्छा बना, लाइक लेजिटली बहुत ज्यादा टेस्टी है ये। एंड आई एम सुपर प्राउड ऑफ माय सेल्फ कि मैंने इतना अच्छा बना लिया। लास्ट टाइम मैं आप लोगों से लंच टाइम पे मिली थी, जब मैंने खाया था अपना ब्रेड पिज्जा। उसके बाद आई डिड अ लॉट ऑफ वर्क, डिड सम एडिटिंग, शूट किया मैंने बहुत सारा कंटेंट, रील्स वील्स। मैं आजकल बहुत ज़्यादा एक्टिव हूँ मेरे इंस्टाग्राम पे, तो आई वाज मेकिंग दैट। अभी टाइम हो गया डिनर का, मैं स्नैक्स के टाइम पे तो मैं सब काम ही कर रही थी, तो मैं भूल भी गई। राइट नाउ आई एम वेरी हंग्री, सो जाके मैं भी सोच रही हूँ आई शुड मेक सम चिली एंड चाइनीज सॉर्ट ऑफ मैगी। या आई एम रियली इनटू इट, सो थोड़ा तीखा तीखा अच्छा खासा डिनर करते हैं हम लोग मस्त सा। एंड फॉर द स्नैक पार्ट मैं ना ट्राई करूँगी जो मैं लेट नाइट स्नैक में कहीं पे बना लूँ, बिकॉज या शाम का स्नैक्स मैंने मुझे इंक्लूड करना था इसमें, बट फॉर सम रीज़न मैं नहीं कर पाई। सो लेट नाइट स्नैक्स में आपको एक स्नैक रेसिपी भी मिल जाएगी इस वीडियो के। तो यार लेट्स गो इन द किचन एंड लेट्स मेक सम स्पाइसी स्पाइसी तीखा तीखा मैगी। लेट्स ईट इट एंड यार खत्म करते हैं इसको धीरे धीरे, इस चैलेंज को हम लोग यार। वेलकम बैक, और यहाँ पे मेरी चाइनीज मैगी रेडी है। लुक सो गुड एंड ये काफी ना लेकिन स्टिकी स्टिकी नहीं है, मतलब काफी मस्त बनी है। कैन सी इतना मस्त सा फिसल भी रही है यार ये। दिस लेजिटली लुक्स लाइक अ नूडल। नाउ लेट्स टेस्ट इट कैसी बनी है। मैंने इसमें काफी सारी चीजें डाली, लाइक ऑल द चाइनीज सॉसेस, शेजवान चटनी, रेड चिली, सोया विनेगर, एवरीथिंग। मैगी, या मैगी मसाला नहीं डाला इसमें, इसमें मैंने बिल्कुल भी मैगी मसाला नहीं डाला। ओह माय गॉड, दिस डजंट फील कि मैं मैगी खा रही हूँ, मगर इसमें मैगी मसाला नहीं है। इट फील्स कि मैं मेरा जो क्लासिक चाइनीज नूडल्स है ना वो खा रही हूँ, ऐसा फील हो रहा है। सो टेस्टी, I'm back and अभी हम हमारी लास्ट मैगी के डिश के साथ आ गए। सो आई ट्राइड अटेम्प्टिंग लाइक अ मैगी समोसा थिंग। ये मैंने बेक किया है इसको, मैंने इसमें बिल्कुल भी ऑयल नहीं लगाया। मैंने नॉर्मल आटा को
कट कर दिया ऐसे, हम लाइक रोटी बनाया उसको बीच में से काटा, फोल्ड किया, यू विल सी इट, और मैगी का मिक्सचर डाल दिया जो मैंने खाया था उससे पहले, एंड ये ना मैंने ओवर बेक कर दिया तो ये पत्थर जैसा हार्ड हो गया अभी ऐसा देखा। बहुत ज़्यादा क्रिस्पी हो गया है, लच्ची कैसा टेस्ट करता है, कभी मैंने बनाया नहीं था आज से पहले ये, एंड बेक करके तो कभी बनाने का सोचा भी नहीं था मैंने, बट ठीक है खाते देखते कैसा है। ठीक है, ये जो ऊपर वाला पार्ट था ना वही थोड़ा अजीब सा लग रहा था, मतलब तो थोड़ा सा जला जला सा दिख रहा था, अदर देन दैट ये जो बीच वाला पोर्शन है जहाँ पे फिलिंग है वो ठीक है, नॉर्मल है, अच्छा। एक्चुअली ये डिश ना एयर फ्रायर में अच्छे से बन सकती है, ये एकदम आई थिंक एयर फ्रायर में, अगर आपके पास एयर फ्रायर है आपको इसे सेट करना है 180 डिग्रीज फॉर 20-25 मिनट्स के लिए, इसको एयर फ्रायर में डाल के बेक करना पड़ेगा, आपको एयर फ्राई करना पड़ेगा, अदर देन दैट अगर आप मेरी तरह से गैस पर अटेम्प करोगे तो शायद ऐसा हो सकता है, बट ठीक है स्टिल टेस्ट गुड। सो गाइज दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो, आई रियली होप दैट यू गाइज एंजॉयड दिस मैगी चैलेंज, लाइक काफी सारी फन एलिमेंट्स है, मैंने बहुत सारा ट्राई किया बनाने का मैगी को नया रंग रूप देने का, एंड आई थिंक आई प्रीटी मच डिड अ गुड जॉब, लाइक व्हाट डू यू गाइस थिंक अबाउट इट, डू लेट मी नो इन द कमेंट्स डाउन बिलो, एंड अगर आपको ऐसे ही कोई अजीब हो गरीब चैलेंजेस देखने हैं लाइक अगर आप चाहते हो मैं करूँ तो डू लेट मी नो द स्पेसिफिक चैलेंजेस इन द कमेंट्स डाउन बिलो, आई वुड लव टू डू दैट फॉर यू गाइज, एंड या आई रियली होप कि आप लोगों को मजा आया हो ये वीडियो देख के, तो इस वीडियो को लाइक शेयर कॉमेंट करो एंड मेक श्योर यू आर सब्सक्राइबिंग टू दिस चैनल बिकॉज दैट रियली मीन्स अ लॉट टू मी, यू गाइस कैन गो एंड फॉलो मी ऑन माई इंस्टाग्राम बिकॉज आई एम सुपर डुपर एक्टिव देयर, एंड या ऑल्सो गो एंड चेक आउट फूड अड्डा का इंस्टाग्राम पेज एज वेल एज द यूट्यूब चैनल, द लिंक फॉर द सेम विल बी गिवन डाउन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, सो डोंट फॉरगेट टू चेक इट आउट, सो या गाइस दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो, सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय। सो या गाइस सो या